हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके और भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस में से एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त यानी आज निधन हो गया है। 16 अगस्त को 5:05 में एम्स ने ये अनाउंसमेंट की कि अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 93 साल के थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कद का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में 2 बार हॉस्पिटल में उनको देखने जा चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी ट्रैक इन्फेक्शन और चेस्ट कंजेशन की वजह से 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था। खराब हेल्थ की वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2009 से ही अपने घर में ही रहते थे, जो कि कृष्णा मेनन मार्ग में है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी पार्टी के मेंबर्स ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज भी करती थी, और उनका बर्थडे जो कि 25 दिसंबर को आता है, उस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 16 अगस्त को सुबह से ही बीजेपी चीफ अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और वेंकैया नायडू ये सब बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो इंडिपेंडेंस डे के लिए डेकोरेशन की गई थी, वो सारा डेकोरेशन 16 अगस्त को उतार लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी माने जाने वाले एलके आडवाणी भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो दोस्तों, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को शांति मिले। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।